हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, मैं रोशनी और वेलकम टू अवर चैनल फूड। आज हम चाट वाली लाल चटनी जो होती है बिना इमली के बनाएंगे, और इसको मैं घर में किस तरीके से बनाती हूँ इसकी रेसिपी आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। घर में कोई भी चाट बनाती हूँ तो मैं इस चटनी को उसमें जरूर डालती हूँ, इससे चाट का टेस्ट जो होता है दुगना हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको टेस्टी और न्यू रेसिपी से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोलगप्पे वाली लाल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पॉट लेंगे, एक कोई भी पतीला ले लीजिए आप। गैस को ऑन करेंगे सबसे पहले। इसमें मैं सबसे पहले 2 कप पानी डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा है। इसमें 1 कप गुड़ डाल रही हूँ मैं। गुड़ को मैंने, आप कोई भी गुड़ यूज कर सकते हैं, जो मतलब गुड़ का बूरा आता है वो यूज कर लें, या फिर जो गुड़ साबुत आती है उसको ऐसे कद्दूकस कर लिया। मैंने साबुत वाले गुड़ को कद्दूकस कर लिया है, ये इजीली इसमें मेल्ट हो जाएगा जल्दी से। इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको डाउट है फ्रेंड्स, जैसे इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह हो तो आप इसको पहले उबाल कर छान लें, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस करें। वैसे ये बिल्कुल क्लीन है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगी। ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, अब इसमें उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज करें, इससे कलर अच्छा आ जाता है। 1 टेबल स्पून में आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट पाउडर। फ्रेंड्स अगर आपके घर में सॉल्ट पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक को भी पीस के उसका रस इसमें डाल सकते हैं। नमक स्वादानुसार। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। इसको फ्रेंड्स हाई फ्लेम पे हमको पकाना है जब तक ये इसकी क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती। थोड़ा सा ये थिक हो जाए और थिक होने के बाद थोड़ा सा ये जैसे पतला ना, एकदम मतलब अच्छा सा जैसे चटनी होती है ना लाल वाली, वैसे थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। ऐसे इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है ताकि ये नीचे ना गिरे। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे अभी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है पहले से, और ये पहले से इसकी क्वांटिटी भी आधी हो गई। देखिए गाढ़ा हो गया है। अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा थिकनेस आपको कम लग रहा है, लेकिन इसको आप छू के देखेंगे तो ये चिपचिपा सा हो चुका है। ये जब ठंडा होगा जैसे जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा और भी ज्यादा। तो ये अब हमारी चटनी तैयार है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है और देखिए कितना अच्छा थिक हो गया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लाल और थिक चटनी तैयार हुई है। इसे कोई भी चाट पे आप रख के सर्व कीजिए और बहुत टेस्टी बनी है, खाने में बहुत टेस्टी है। मुझे बहुत ज्यादा घर के चाट इसलिए पसंद है कि मम्मी जब चटनी डाल के बनाती है तो इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है, आपको मैं बताएं इतनी ज्यादा टेस्टी होती है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है घर में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।